सो मैं हो गया अभी नहा के फ्रेश और फुल रेडी, वही ड्रेस में जाने वाला हूँ बिकॉज रेगुलर वे में जर्नी करने में मज़ा अलग होगा। तो मैंने पैकअप लगभग कर लिया, ये मेरा गिटार है, इसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और टिकट्स वगैरह तो फ़ोन में ही है, और वहाँ पे लगेज भी सेट है। ज़्यादा कुछ ले नहीं रहा हूँ, कुछ काम है तो गिटार लेके जा रहा हूँ। बाय बाय गणपति बापा, बाय बाय बड़े गणपति बापा, बाय बाय सरस्वती माँ। यहाँ है, ये सी ऑफ करने के लिए रेडी है, मम्मी भी सी ऑफ करने के लिए रेडी है, पापा भी सी ऑफ करने के लिए रेडी है, और ये है मेरा लगेज। क्यूट सा नन्ना सा मुन्ना, मैं सोचा था यहाँ पे लोगो लगाऊंगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो बाद में सोचा कि टाइम नहीं मिलेगा, मैं रेडी बहुत मुश्किल से हो पाया। सो अभी डायरेक्ट रेडी हो गया एंड आई एम रेडी टू गो, बट अभी बाल थोड़ा ठीक करना है, सो थोड़ा कंघी तो करना पड़ेगा। आई एम फुल्ली रेडी, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे किस रीज़न के मैं जा रहा हूँ, कुछ है रीज़न, स्पेशल रीज़न, अगर उस रीज़न में मैं सक्सेस हुआ तभी मैं बताऊँगा, वरना फिर भी बताऊँगा बाद में, अभी आप लोग ठहरिए। तो दही खाना थोड़ा शुभ माना जाता है, तो दही खा के जाना शुभ होता है। आप लोगों को सीन दिखाता हूँ, ये देखो विदाई हो रहा है मेरा, ये देखो सब रो रहे, ये हैप्पी है, ये तो मेरे भाई लोग है, इनके जी का आ गए है लोग, प्लीज कान। লেকে হাই কপাল টাটা, নো কান্না কাটি কিন্তু। मैंने इतना लोग ड्रॉप करने जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। सो फाइनली मैंने सिक्योरिटी चेक पास कर लिया और अभी वेब चेक इन कर लिया था एंड आई एम इन द लाइन। सो ये क्यू के बाद आई विल बी ऑन फ्लाइट, होप दिस जर्नी बी अ ग्रेट वन। सो फाइनली माई फ्लाइट इज हियर एंड आई एम ऑन द वे टू माई डेस्टिनेशन दैट इज़ कोलकाता। मेरा सीट सामने की तरफ मिला है और मुझे थोड़ा सा डर लगता है फ्लाइट से, पीछे बैठने से डर लगता है, सो दैट्स वाई आई प्री बुक माई सीट इन फ्रंट, दैट इज़ सीट नंबर अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सो सी यू इन कोलकाता। होपफुली 20 मिनट्स और लगेंगे, फिलहाल अभी मैं कोलकाता विदाउट एनी लैपटॉप विदाउट एनी टैब मैं जा रहा हूँ, सिर्फ स्मार्टफोन लेके एंड बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके। सो शायद एडिट नहीं कर पाऊँगा वीडियोस कोलकाता में, बट इफ़ आई कैन मैं एडिट ज़रूर करूँगा एंड एडिट करके फ़ोन में ही जितना हो सके एडिट करूँगा एंड आई अपलोड द ब्लॉग। ये कोलकाता का मेरा पहला 3 दिन वाला ट्रिप होगा, मैं डिवाइड करके पार्ट वाइज इसको अपलोड करूंगा। मैं पहुंच गया कोलकाता एंड अभी मेरे को बैगेज कलेक्ट करना है, ओला बुक एंड मिलते हैं डायरेक्टली कैब में। कोलकाता, यहाँ पे अभी लगेज कलेक्शन करना है, बैग लेके ओला पे जाके डायरेक्टली आप लोग से बात करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे टपक टपक के गिर रहा है बैग्स। कैब आ चुका है एंड आई एम ऑन द वे टू माय होटल, बहुत थक चुका हूँ, डायरेक्टली मिलते हैं होटल के अंदर। सो तब तक बने रहे इस ब्लॉग के साथ और मित्री के साथ। अगर आप लोगों ने इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स आप लोग मिस करते हो, तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सो वेलकम टू कोलकाता आप सभी को भी। Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep the truth, yeah. There's a treasure out there. Thank you. Just every one. I'm in my room और ये है मेरा room, अच्छा room है, इसका tour मैं fresh होके आप लोगों को दे दूंगा, काफी अच्छा है, it's good, okay for me. You just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom of
wanna say is that I'm a freedom of mind. Just wanna wait. This is really very sweet. जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा रूम काफ़ी अच्छा जगह पे है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड पोजीशन पे है रूम। आई होप कि नेक्स्ट ट्रिप में जब आएंगे ऐसा कंजस्टेड जगह में मुझे रूम ना मिले। सो यही है आज का रूम। तो कुछ देर बाद मैं निकलूँगा, जिस काम के लिए आए हैं वहाँ पे थोड़ा विजिट करना है, जगह पहचानना है, इसके बाद आप सबसे मिलते हैं। पहले थोड़ा लंच करना पड़ेगा, अभी तो 4 बज चुका है, ऑलरेडी 5 बज चुका है, तो अभी मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा बिकॉज अभी अगर नहीं खाया तो गैस हो जाएगा। सो यही घर से खा के आया था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भारी भरकम कुछ अभी खाएंगे नहीं क्योंकि ये भी गैस होने का चांस हो सकता है। सो अभी नॉर्मल सब कुछ खा लेता हूँ, रेस्ट करता हूँ और जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मेरा लोकेशन है काम का। चाय आ गया है, मेरे जिगर का टुकड़ा और ये भुजिया एंड बहुत सारा खाना चिरस्विता ने दे दिया है मेरे को। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला रूम पे कि जो बॉटल का मतलब जो नॉर्मल पानी है इन लोग का, ये पूरा अगरतला जैसा है, मेरे जगह जैसा है। सो मुझे पानी को लेके ही टेंशन था, ये मुझे प्रॉब्लम होने नहीं वाला है और बिल्कुल नहीं होगा पानी का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम लगता नहीं होगा। अभी थोड़ा सा चाय पीता हूँ मन लगा के। और हाँ, अगरतला आई रियली मिस यू। सच में आने के बाद से ही मैं मिस करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अच्छा काम के लिए कभी ना कभी निकलना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से, वही कर रहा हूँ फिलहाल। सो प्रे करना, रीज़न तो नहीं पता आप लोग को, मुझे पता है, लेकिन आप लोग फिर भी प्रे करना मेरे लिए, आपका शो वीक के लिए, ताकि जो भी हो अच्छा हो। और हाँ, अभी मैं चाय पीता हूँ। सो मैं अभी चाय पी लिया एंड वही ड्रेस पहन लिया क्योंकि मैं अकेला आने से कहीं पे ज़्यादा चेंज वगैरह नहीं करना पसंद नहीं करता। सो अभी मैं थोड़ा सा निकलूँगा टहलने, नहीं वो स्पॉट देखने जहाँ पे हम लोग, जिस काम के लिए मैं आया हूँ कोलकाता सिटी में, मैं पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वसनेस लगता है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं डाल पाया तो बुरा मत मानना, धीरे धीरे व्लॉग्स अच्छे बनते रहेंगे बाहर का भी, तो बने रहो इस व्लॉग में। और चलो गाइस, मैं अभी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ और उबेर से 2-व्हीलर लिया है, आई होप सही जगह में पहुँच जाऊँ। सो मिलते हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन में।